एक पैकेट मैंने मैक्रोनी ली है और इसको मैंने डालना है पानी में। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब इसको डाल दिया है मैंने पानी, पहले से मैंने रखा हुआ था बॉईल होने के लिए। ये बॉईल हो गया, मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छा सा बस इस तरह से हिला देंगे और वेट करेंगे इसके पकने का। फुल फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैंने इसका फ्लेम मैंने लो पे किया है क्योंकि मैंने ये आपको चेक करवाना था। ये देखें, ये चेक करने का तरीका, ये आराम से ये देखें टूट रही है बस ज़रा सी। 95% ये गल गई है और 5% मिक्सिंग करेंगे तो उस वक्त हो जाएगा। अब इसका पानी निकाल दूंगी, इस तरह से निकाल लेंगे और फौरन से हम ठंडा पानी, टैप का पानी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। एक प्याली चिकन है बारीक कटा हुआ है, 3 टेबलस्पून ऑयल में डाल देंगे और अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट इसलिए हम मुनासिब सा डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला था। इसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है, कलर भी चेंज हो जाएगा और हाफ डन भी हो जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें डाल दीजिएगा, आप बटर डाल सकते हैं। साथ ही ये मेरे पास टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। इसको अच्छा सा हमने भूनना है। ब्लैक कलर की इसकी शक्ल नहीं होनी चाहिए, बस इतना करेंगे कि इसकी हल्की सी जो इसमें खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। अच्छा, ये भी फुल फ्लेम पे मैं अभी कर रही हूँ और चिकन भी हमारा साथ में, ये देखें ये भी फुल फ्लेम पे, इसको भी मैं तैयार कर रही हूँ। बस जब ये देखें कलर चेंज हो गया है, ये हाफ डन तकरीबन तकरीबन इस तरह से करें तो ये हाफ डन से थोड़ा सा भी कम है, बस ये हो जाते हैं हाफ डन और फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगी। फुल फ्लेम पे दोनों काम हो रहे हैं, अच्छा सा इसका कलर चेंज हो गया है। मैंने फ्लेम से पीछे कर लिया था। दूध जाएगा इसमें, 2 ग्लास मैं इसमें दूध ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। 1 ग्लास और 1 ग्लास ही मैं इसमें और ऐड करूँगी। ये मैंने अंदाजे से दूसरा ग्लास भी डाल दिया है। आप इसमें चाहें तो फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं डिब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको फौरन से हम इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अच्छा सा इसको फ्राई कर लिया और साथ में अब डालेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ओरिगनो और इसमें डाल देंगे इसको हल्का सा बस इस तरह से चम्मच हिला के। फ्लेम मैंने अब लो पे कर दिया है, मैक्रोनी डालेंगे बस। इसको पहले मिक्स करेंगे, बस ये देखें साथ ही ये पक रहा है। इसका फ्लेम मैं अब ऑफ कर दूंगी और इधर ले आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सारी डाल देंगे, निकाल लेंगे अच्छी तरह सारी क्योंकि वेस्ट नहीं कोई भी चीज़ हो। और फिर इसको मिक्स करेंगे और साथ में नमक और मिर्च चेक करेंगे। बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से, आप कम डालना चाहते हैं, इससे भी मैंने हालांकि बहुत कम चीज़ डाला है, आप इसको ज़्यादा डालना चाहते हैं चीज़ तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। बस इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक बाउल में डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। अगर आप चाहें थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और बहुत मज़े की यमी सी रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से बनती है। आप बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। ऑफ कोर्स मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।